बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में कोफ्ता कढ़ाई की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं, मगर उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए आज की हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। तो सबसे पहले हमने कोफ्ते लिए हैं चिकन के, मैंने होममेड कोफ्ते इस्तेमाल किए हैं, आप बाजार के बने हुए कोफ्ते भी ले सकते हैं। तो चलिए क्विक रिव्यू में देखते हैं कि कोफ्तों को किस तरह बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चॉपर मैंने ले लिया है, चॉपर के अंदर हम प्याज और हरी मिर्चें इकट्ठे डालकर इसको चॉप करेंगे, साथ में अब मैं हरी मिर्चें डाल दूं। हमने प्याज को बहुत फाइन बनाना है। हमारे जो प्याज है वो अच्छे से चॉप हो चुके हैं, हरी मिर्च भी हमने इसके अंदर शामिल कर दी थी, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, चिकन का जो है वो कीमा बना लेंगे। हमने जो चिकन का कीमा बनाना है उसमें से भी अच्छे से पानी जो है निकाल देना है। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो चिकन था वो बिल्कुल अच्छे से इसका कीमा बन चुका है। अब मैंने चिकन को भी इस मसाले के अंदर हमने शामिल कर दिया जो प्याज और हरी मिर्च वाला था, और आप देख सकते हैं ये बहुत ही जो खुश्क सा हमारा जो कीमा है वो तैयार हो गया, ये देखें, और इसमें कोई दाना नहीं है। अब हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसाले डालकर। अच्छा जी व्यूअर्स, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सारे मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे सफेद मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, सूखा धनिया, चाट मसाला, नमक, पुदीना और धनिया। अब हम इन तमाम मसालों को जो है वो अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए फिर अब हम इनको अच्छे से मिक्स करते हैं, आपने इसको बहुत अच्छे से मसालों को मिक्स करना है। ये देखें व्यूअर्स, अब अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा चॉपर में डालेंगे ताकि ये मजीद अच्छे से चॉप हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने इसको अच्छे से कर लिया है। अब हम इसको निकालेंगे एक खुले मुंह वाले बर्तन में, तो मैं इसको निकालने लगा। ये देखें व्यूअर्स, अब मैंने हाथों पर इस तरह हल्का सा ऑयल लगाकर इसको ग्रीस कर लिया है। फिर अब मैं ये गोश्त लूंगी, आपने हाथों पे बस एक दफा लगाना है जब तक ये बनते जाए और आपके हाथ पर गोश्त ना चिपके। इस तरह आपने इसके गोल गोल बॉल बनाते जाने हैं, और इसको अब मैं प्लेट पे रखती जाऊंगी। अब इसी तरह जो है मैं सारे बॉल्स रेडी कर लूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि कोफ्तों को किस तरह बनाना है। मैंने होममेड कोफ्ते लिए हैं, आप इसको मार्केट से भी ले सकते हैं। इसके साथ हमने एक बड़ी प्याज लेकर उसको बारीक बारीक हमने चॉप कर लिया है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं कि मैंने टमाटो पेस्ट ली है, ये दो टमाटर जितनी हमने पेस्ट इस्तेमाल की है। मेरे पास इस वक्त फ्रेश टमाटर अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैं टमाटो पेस्ट इस्तेमाल कर सकती हूँ, आप फ्रेश और पेस्ट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ हमने 1/4 टेबलस्पून जो है वो हल्दी ली है, अदरक लहसुन का पेस्ट एक खाने का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं, सूख मिर्च पाउडर एक खाने का चम्मच, कसूरी मेथी आधा खाने का चम्मच, ये ऑप्शनल है, लेकिन मेथी डालने से बहुत ही खूबसूरत इसकी जो है वो एक स्मेल आती है और टेस्ट डेवलप होता है, जिसकी वजह से मैं इसको ऐड कर रही हूं। अदरवाइज ये आपकी मर्जी है, डालें या ना डालें। तो ये थे आज के हमारे इंग्रेडिएंट्स। तो जल्दी से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफ्तों को डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए कोफ्तों को फ्राई करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हमने एक पैन ले लिया है। अब पैन के अंदर हम 1/2 कप से थोड़ा कम जो है वो कुकिंग ऑयल डालेंगे।
मैंने आधा कप के करीब तकरीबन जो है ऑयल ले लिया और उसको मैंने कढ़ाई में डाल दिया। इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, जैसे ही हल्का सा ऑयल गर्म होगा हम कोफ्ते इसमें डालकर फ्राई करते जाएंगे। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, हमने इसको हल्का सा बस गर्म करना है और मैं अब इसके अंदर ये कोफ्ते ऐड करना शुरू कर दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब साथ साथ हम इसको हिलाएंगे अपनी जगह से। ये देखें इस तरह से ये आपस में जुड़ेंगे नहीं और टूटेंगे नहीं। आप चाहें तो लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं सीधे वाला। इस तरह से ये जुड़ेंगे भी नहीं और टूटेंगे भी नहीं और इन पे अच्छे से जो कलर है वो भी इक्वली कलर आ जाएगा इवनली। अब हम इसको गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको निकालेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो कोफ्ते हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब इसी घी के अंदर मैं कटी हुई जो प्याज है वो शामिल करूँगी और इसको लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। हमें इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत लाइट गोल्डन कलर आ गया। बस हम मज़ीद इसे थोड़ा सा और कलर देंगे और फिर इसको निकाल कर पेस्ट बनाएंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कलर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं प्याजों का। मैंने इसमें प्याज डाल निकाल ली है और अब ये जो पेस्ट है वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और साथ में हम जो है थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हमने इतना ऐड करना है कि ये अच्छे से पेस्ट बन जाए। पेस्ट हमारी रेडी है, अब हम इस पेस्ट को कढ़ाई में डालेंगे। अब मैं उसी घी के अंदर ये पेस्ट जो है वो अपनी डाल दूंगी। ये सारी पेस्ट अब मैंने इसमें डाल दी है अच्छे से और साथ में अब हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से अब हमने भूनना है। बस हमने इसको इतना भूनना है कि ये मसाला जो है वो घी छोड़ दे। मसाला हमारा पकने लग गया है, इंशाल्लाह विद इन अ मिनट जो है वो ये घी छोड़ देगा तो फिर हम बाकी मसाले शामिल करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, ऑलमोस्ट मसाले ने जो है वो घी छोड़ दी है। अब हम इसके अंदर कोफ्ते शामिल करेंगे। साथ साथ हम इनको भूनते जाएंगे और बहुत ही हल्के हाथ के साथ आपने जो है वो चम्मच चलाना है, वैसे ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं, फिर भी एहतियात बेहतर है। अब मैं इसके अंदर सुर्ख मिर्च ऐड कर रही हूँ, नमक, हल्दी, ये देखें जैसे इसका थोड़ा सा जो पानी था पेस्ट का वो खुश्क होता गया तो ग्रेवी का कलर और कोफ्ते कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह से। अब हम इसको भूनते जाएंगे साथ साथ। अब यहाँ पर हम साथ ही कसूरी मेथी डालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेथी जो है वो ऑप्शनल है लेकिन मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ और आप देखेंगे जितने भी बड़े शेफ हैं अच्छे रेस्टोरेंट के वो मेथी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं क्योंकि इससे खास तरह की खुशबू और इससे जो लज्जत है सालन की वो बढ़ जाती है, इसलिए मैं मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये आप कढ़ाई का पैंदा देख लें किसने घी छोड़ दिया। हमारे जो सालन है वो अच्छी तरह से भून चुका है इस टाइम तक और आप ये देख लें कि ये घी जो है वो आपस में मिलने लग गया और अच्छे से जो हमारा सालन है वो भून कर तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर हम एक गिलास जो है वो इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। ये थोड़ा सा प्याज वाला था जो मैंने ऐड कर दिया है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे एक गिलास और अब मैं इसको ढांप कर रख दूंगी पकने के लिए बिल्कुल धीमी आंच पर। जैसे पानी खुश्क होगा तो हमारा सालन जो है वो पककर तैयार हो जाएगा। अब मैंने आंच को बिल्कुल लो कर दिया है, दम वाली आंच से थोड़ा सा तेज, और साथ साथ हम चेक करते जाएंगे
जैसे ही पानी खुश्क होगा, कोफ्ता गलेगा, तो हम इसको चेक करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, पानी जो है वो खुश्क हो चुका है थोड़ा सा, और मजीद जो है इसने अभी खुश्क होना है। मैंने तकरीबन एक ग्लास डाला है नॉर्मल वाला। याद रहे ये चिकन के कोफ्ते हैं, ये जल्दी गल जाएंगे, इसलिए हमने पानी उसी हिसाब से डालना है। आप कम या ज्यादा क्वांटिटी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। दोबारा से मैंने इसको ढांक दिया और आप पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें व्यूअर्स, इसका पानी जो है वो अच्छे से खुश्क हो चुका है और हमारा जो सालन है वो बिल्कुल पक कर तैयार हो चुका है। कढ़ाई जो है, मजीद हम इसे 1 से 2 मिनट जो है वो पकाएंगे। जैसे ये अच्छे से पक जाएगा तो हम इसी के अंदर इसको गार्निश करेंगे और अपनी डिश को कंप्लीट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमारी आज की जो रेसिपी है वो इसके साथ ही कंप्लीट होती है। आप देख सकते हैं कि ये इस पर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है। मैंने इसकी थोड़ी सी ग्रेवी जो है वो ज्यादा रखी, आप इसको अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर ही इसको अदरक के साथ गार्निश करेंगे। इसके साथ ही आज की हमारी ये रेसिपी कंप्लीट होती है। कल इंशाल्लाह एक बार फिर नई रेसिपी इसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मगर जाने से पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।